मार्लिन का सेम वही एक्शन रखा है, जगत जननी का जो एक्शन था ना एकदम पूरा मासी टाइप के उसे किस्म कर रखा है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। तो आज रिएक्शन करने जा रहा हूँ बेलकुंडम साई निवासम, अबे साले बेलकुंडम साई श्रीनिवास का एक नया मूवी का ट्रेलर आया है, वो भी हिंदी मूवी, और मूवी का नाम है छत्रपति। और सबसे पहले ये जो बेलकुंडम साई श्रीनिवास है ना, ये तेलुगु का सुपरस्टार है और हिंदी में फर्स्ट में इसका डेब्यू हो। और ये जो मूवी है ना, वो तेलुगु मूवी छत्रपति का रीमेक है, जिसमें डायरेक्टर एस एस राजा मौलिक एंड एक्टर द स्टार प्रभास था। प्रभास का मूवी, वो भी हिंदी में नया स्टार के साथ मूवी बनाना, ये कहाँ के दिमाग है मुझे पता नहीं। पर ये एक बात है, मैं क्या बोलूंगा, इसका जब टीजर देखा था ना, तो इसमें थोड़ा एक्शन, थोड़ा मासी टाइप के, थोड़ा सिक्स पैक बना था। और ऐसे किस्म के मूवी, बेलकुंडम साई श्रीनिवास का एक मूवी जगत जननी या समथिंग था, वो 700 मिलियन से ज्यादा उसका व्यू है यही यूट्यूब में। तो हाँ, उसका जो स्टाइल है ना, जो जो स्वैग, जो एक्शन, वैसे किस्म के मूवी लोग देखता है, मास मसाला मूवी लोग देखता है, वैसे किस्म के ऑडियंस है। पर ये भी बात है कि वैसे किस्म के ऑडियंस बहुत ही कम हॉल में जाता है। हॉल में जाने वाला ऑडियंस कोई और होता है और यूट्यूब में देखने वाला कोई और होता है। फिर भी ये छत्रपति जो मूवी है, उसका रीमेक है, जिसका एस एस राजा मौलिक अपना पूरा बना दिया है, पूरा एकदम स्टाइल बना दिया है, तो वो कैसा करेगा, क्या करेगा, टीलर आया, टीलर देखते हैं, अब उसके बाद में डिटेल बात करते हैं। तो और प्रभास के जैसा ये बेलकुंडम श्रीनिवास, उसके जैसा एक्टिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा था, बिना किसी तरीके। छत्रपति का ऑफिशियल ट्रेलर स्टार्ट। 1985 यहाँ पे, उसमें शायद श्रीलंका या समथिंग का दिखाया था, इसमें हिंदुस्तान में पाकिस्तान का। ओ शरद कलकर, हमारे यहाँ बहुत से लोग पलते हैं, तू भी पल जाएगा। वो एक-एक करके सबको मार रहा है। ओहो, एक्शन तो है, एक्शन तो है, मार लेगा। सेम वही एक्शन रखा है, जगत जननी का जो एक्शन था ना, एकदम पूरा मासी टाइप के वैसे किस्म का रखा है। साई निवास बेलकुंडा, ओहो क्यों कर रहे हो तुम? अरे ये नुसरत भरूचा हीरोइन है। ओके, 1985 में पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, तो 1990 वाली फाइल्स के लॉट में उनका नाम जरूर होगा, आपको जरूर मिल जाएगी। पूरा सेम है, रीमेक तो सेम है, स्टोरी तो सेम है। देखो पूरा क्वालिटी तो हाई लेवल का है ना, पर रीमेक क्यों बना रहे हो भाई? From the presentation of, okay. अब ये तो हर कोई जीता है, लेकिन जो औरों के लिए जीता है, वही छत्रपति। ओह छत्रपति, पूरा प्रॉपर प्रॉपर जो एक्शन है, मास मसाला वाला एक्शन है, प्रॉपर बोल रहा हूँ। ओहो हो, भाई शरद कलकर का जो होता है ना टैलेंट, यहाँ पे वेस्ट कर रहा है, इतना कमाल के गुंडा दिख रहा है। एक अच्छा बात है, ये बेलकुंडम साई श्रीनिवास अपना डबिंग अपना से खुद से नहीं किया, क्योंकि ये तेलुगु स्टार है और हिंदी इसका ऊपर नीचा होगा, पर ये नया जो डबिंग करता है ना, वो आर्टिस्ट डबिंग किया है, वो अच्छा बात है। भाई क्वालिटी बहुत इंप्रेसिव है ना, पूरा पूरा देखो, इतना हाई क्वालिटी का वीडियो है, और एक्शन भी है। 12 मई को आ रहा है। ओके, ए लास्ट में के सीन दिखा दिया पूरा। अगर आप लोग, अगर वो प्रभास के हुकूमत का जंग यूट्यूब में आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, वो नहीं देखे होंगे, फिर भी इसका ऐसा टीलर बनाया है ना, टीलर में पूरा स्टोरीज दिखा दिया। पहले क्या होता है कि ये माँ बाप का खोजता है, उसके बाद में ये एक्शन करेगा, पूरा अपना एम्पायर बनाएगा, लास्ट में जो इसका माँ होता है, भाई होता है ना, वो मिल जाता है, वो कैसा मिलता है, लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जो गोली मारा है, वो लास्ट का सीन है, ये मैं बता दे रहा हूँ, ये सब स्टोरी है। और मैं बोलता हूँ कि ठीक है, देखो क्वालिटी कितना कमाल के है, कलर ग्रेडिंग, जो एक्शन, जो हीरो काम किया है, विलन काम किया है, शरद कलकर नशरत बड़ीचा जो भी काम किया है, वो अच्छा है, मतलब अपना 100% दिया है, फिर भी ये मूवी थोड़ा भी नहीं चलेगा, 5 करोड़ भी कमा लेना, ये मूवी बहुत ही बड़ा बात है, क्योंकि पहले तो ये तेलुगु स्टार है, हिंदी में इसका नाम नहीं है। हाँ यूट्यूब में इसका वीडियो देखा है, इसका मूवी देखा हूँ, पर एक्चुअली में
थिएटर में एक भी मूवी इसका नहीं आया हिंदी में, और वो डबिंग कर रहा है, वो भी रीमेक, जिस जो रीमेक को लगभग लगभग हिंदी डबिंग देखने वाला हर एक इंसान देख लिया होगा, क्योंकि हुकूमत जंग जो प्रभास का बहुत ही पुराना फिल्म है, लोगों 2007 में बना है, तो कोई भी देख रहा हो, प्रभास इतना बड़ा हो गया है यहाँ पे हिंदी में, तो उनका हर एक मूवी खोज खोज कर लोग देख रहा था, तो ये सब देख लिया होगा। पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ये तो हॉल में नहीं चलेगा, थिएटर में नहीं चलेगा, पर यूट्यूब पर आएगा तो ये भी धमाल मचाएगा, क्योंकि ऐसा किस्म के मूवी यूट्यूब पे बहुत चलता है, जो एक्शन हो, जैसे सरनाइडू हो गया, उसके बाद में इसी का जगत जननी, उसके बाद में टीजे, जो मूवी प्रॉपर एक्शन मास मसाला ना, वो मूवी यूट्यूब पे मतलब 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन भी होता है, इसी का 750 या 800 अभी मिलियन हुआ होगा। KGF खुद भोजपुरी में डबिंग किया, उसका 500-600 मिलियन हो गया, मतलब यूट्यूब में ऐसे किसी के एक्शन मसाला मूवी बहुत चलता है, तो मुझे लगता है ये पान मूवी वाला वैसे ही कर रहा है, मतलब अभी रिलीज कर रहे हॉर में जितना कमाया कमाएगा, नहीं तो यूट्यूब में लाएंगे और यूट्यूब में इसका सब्सक्राइबर बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो इसका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, ऐसे किस्म के मुझे लगता है, नहीं तो ये हॉल में रिलीज होने वाला मूवी नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूँ। पर फिर भी मैं इसमें क्या अच्छा है क्या है, रीमेक से हटाकर हीरो का एक्टिंग ठीक लग रहा है, मतलब उतना खास नहीं, एक्शन बहुत ही मास मसाला है जो लोगों को पसंद आता है मास मसाला, उसके बाद में हीरोइन ठीक ठाक है, नुसरत बाद उसका एक्टिंग ठीक है, शरद किरकर का डायलॉग, उसके बाद में उसका जो कॉस्ट्यूम डिजाइन, उसके बाद में जो उसका टैलेंट है ना, यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, बहुत ही कमाल का कर रहा है। उसके बाद में एक और है जो नया हीरो जैसा है, मैं उसका नाम बिछड़ रहा हूँ, वो भी अच्छा कर रहा है, उसके बाद में जो कलर ग्रेडिंग है, जो वीडियो का क्वालिटी है, ये सब अच्छा है। फिर भी नहीं चलेगा, 12 मई को आ रहा है, आप लोग देखना चाहते हो तो देखोगे, मैं तो नहीं देखूंगा, क्योंकि इसका पूरा स्टोरी पता है और इसका हिंदी डबिंग में आ गया है, हुकूमत का जंग नाम आप लोग समझ रहे, तो आप लोग ये छत्रपति का ऑफिशियल ट्रेलर देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और ये रिएक्शन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज ऐसे ऐसे किस्म के रिव्यू रिएक्शन लगते रहेंगे, तो प्लीज चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्यारा सा मेरे लिए कमेंट कर दीजिए, चलिए दोस्तों धन्यवाद।